मास्टर जी देर हो गई। ओ हो, महारानी जी आ गई। कोई देर नहीं हुई बेटा, कोई देर नहीं हुई, बस हफ्ते भर की तो देर हुई है। अरे महीने दो महीने बाद आती तो सीधा परीक्षाओं में बैठती। फिर मेरा मेकअप कौन देखता मास्टर? चुप! जाइए महारानी, अपनी सीट पर बैठ जाइए। रानू यहाँ बैठो। अरे वाह क्यूटी क्यूटी, नहीं आई हो? हाँ। मैं ना बैठूं? नहीं नहीं, मेरे साथ एक फ्रेंड बैठी है, जाओ उधर बैठो सनी के पास। मैं इधर बैठूं? मैं तो पहले ही बोल रहा था यहाँ पर बैठने के लिए, पर तू बैठ ही नहीं रहती। चल बैठ। भी स्विच ऑफ करके रखता है, नाक में थंप करके रखा है इस लड़के ने। ना इसके घर में आने का कोई समय, ना घर से जाने का कोई समय। इतनी देर हो गई है, अभी तक इसका कोई पता नहीं है। क्या करूं मैं? हेलो, हेलो मिसेस चौधरी, मैं धर्मपुरा हाई स्कूल का प्रिंसिपल दुग्गल बोल रहा हूँ। हाँ जी। देखिए मैं आपके रंग रूट, आई मीन मैं आपके बेटे के बारे में आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। हाँ जी बोलिए। आप जानती भी हैं कि आपके बेटे ने यहाँ क्या क्या गुल खिला रखे हैं? माफ कीजिए प्रिंसिपल साहब, मुझे एक बात तो पता है कि मेरा बेटा थोड़ा सा शैतान है। थोड़ा? I beg your pardon. Mrs. चौधरी, मुझे लगता है कि आपके बेटे सुरजीत को मेरे दुश्मन ने मेरे स्कूल के सारे नियम और कायदे तोड़ने के लिए ट्रेंड करके मेरे एरिया में भेजा है। वो क्लासरूम में कम और मैदान में ज्यादा नजर आता है, उसका ध्यान पढ़ाई में कम लगता है और नई नई इनडिसिप्लिनरी बातें करने में ज्यादा लगता है। और इतना ही नहीं मिसेस चौधरी, आपके बच्चे ने स्कूल के अभाव और लफंगों बच्चों के साथ मिलकर एक बटालियन तैयार कर रखी है, जिन्होंने पूरे स्कूल पे अटैक कर रखा है। देखिए अगर यही सब चलता रहा तो मैं मजबूर होकर उसका कोर्ट मार्शल करके उसे स्कूल से आउट कर दूंगा। नहीं नहीं प्रिंसिपल साहब, मैं उसे समझा दूंगी, मैं उसे समझा दूंगी प्रिंसिपल साहब। आ गया पुत्र तू, आज बड़ी देर कर दी पुत्र तूने। कितने रह गया था तू? तेरे प्रिंसिपल साहब का फोन आया था, बड़े नाराज लग रहे थे, कह रहे थे कि अगर तूने अगर पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया ना पुत्र, तुझे स्कूल से निकाल देंगे। ऐसे कैसे निकाल देंगे? हाँ मैं शमशेर सिंह चौधरी का बेटा हूँ, शमशेर सिंह चौधरी का। पुत्र वो ठीक ही तो कह रहे हैं, स्कूल तो सब लोग पढ़ाई के वास्ते ही जाते हैं ना। जाने वाले जाते होंगे, पर मेरे लिए स्कूल और खेल के मैदान में कोई फर्क नहीं है। और इसी मैदान में मैं रविंद्र के बच्चे को धूल चटाऊंगा। और पता है मम्मी जी, आज तो मैंने उसकी ऐसी खिंचाई करवाई है कि परेशान हो गया बेचारा। अरे बा, ये तो क्या कह रहा है पुत्र? अरे रविंद्र तेरा भतीजा है? आप मेरी मम्मी जी होकर भी जब देखो तब ताऊ जी और उनके परिवार की तरफदारी करती हो। वो हमारे दुश्मन है और दुश्मनों से दुश्मनी निभाना पापा जी ने मुझे बहुत अच्छी तरह सिखाया है। नहीं पुत्र, अपने बाप के बताए रास्ते पर ना चल पुत्र। वो लोग
वो लोग हमारे दुश्मन नहीं है, बल्कि हमारे परिवार का एक हिस्सा है पुत्र। तेरे पापा जी के जेल जाने के बाद उन्होंने उन्होंने हमें सहारा दिया है, तेरी परवरिश की। मेरी परवरिश? पिछले 5 सालों में पापा जी ने हमारे घर के सारे खर्चे उठाए हैं बेटा। उन्होंने हमें किसी चीज की कमी नहीं महसूस होने दी। तो आज तक आपने मुझे ये बात बताई क्यों नहीं? जानती थी तेरे पापा जी को पसंद नहीं आएगा ये सब। जो बात पापा जी को नहीं पसंद वो मुझे भी नहीं पसंद, ना ही वो लोग और ना ही उनकी दी हुई भीख। अपनों का सहारा भीख नहीं होता है, पर पापा जी ने रविंदर में और तुझ में कभी कोई फर्क नहीं किया। अपने मन से ये नफरत और दुश्मनी ये सब जहर निकाल दे पुत्र, ये तुझे बर्बाद कर देगा पुत्र। नहीं मम्मी जी, उन्हें जितना बर्बाद करना था वो कर चुके, अब उनके बर्बाद होने की बारी है। पापा जी का दुश्मन मेरा दुश्मन, ये सब सुनकर तो मेरा गुस्सा और बढ़ गया है मम्मी जी। बहुत चालाक है वो लोग, पहले तो धोखे से पापा जी को जेल भेज दिया और अब दूसरी तरह हमें भीख देकर हमसे गुलामी करवाना चाहते हैं वो लोग। ये कभी नहीं होगा। देखिए अगला कार्यक्रम नई सागर।